बॉबी, तुम्हारी जिंदगी का बेशतर हिस्सा अमेरिका और कनाडा में गुजरा, पाकिस्तान तो तुम बहुत कम रहे। तो ये कि वहाँ के लोग तो बहुत ब्रॉड माइंडेड होते हैं, बड़ा खुला जहन होता है उनका। कोई लड़की उन्हें इनकार कर दे, अगले दिन उन्हें ये बात याद भी नहीं होती। ये तो हम छोटी छोटी बातों को जोंग बनाकर दिमाग पे चिपका देते हैं, वो लोग तो ऐसी बातों को मक्खी की तरह नाक से उड़ा देते। आपको किसने बोला कि मैं किसी भी बात को ये क्या बोला आपने जोक बना के चिपका के बैठा हूँ? आपके पेरेंट्स से पूछ के आया। अच्छा, क्या कहा आपने उनसे? मैंने कहा मैं मिस दुआ से कुछ बात करना चाहता हूँ अकेले में। उन्होंने कोई एतराज नहीं किया एंड इजाजत दे दी। ओके, वो क्या बात है जो आप करना चाहते हैं? आपने मुझे रिजेक्ट क्यों किया दुआ? मैंने मामा साहब के बारे में बहुत सुना। दुआ ऐसी है, दुआ वैसी है, वह एक बहुत एक्स्ट्रॉर्डिनरी लड़की है। और जब मैं आपसे मिला, आई रियलाइज दैट शी वॉज एब्सोल्युटली करेक्ट। तो शायद आप यकीन ना करें, लेकिन मैं वाकई कभी किसी से इतना अट्रैक्टेड फील नहीं किया। यहाँ तक कि मैं जब से आपसे मिला हूँ, मैं सिर्फ आपके बारे में ही सोच रहा हूँ। मैं खुद पे बहुत हैरान हूँ। But you're actually so inspiring। और मेरा मानना है कि जब आपको लाइफ में कोई ऐसी शख्सियत मिल जाए तो उसे खोना नहीं चाहिए। Am I right? दुआ, मुझे कहते हुए हेजिटेशन हो रही है, बट आई एम एक्चुअली इन लव विद यू। शकीला, क्या हुआ है? सब खैरियत है ना? सब ठीक है। बॉबी कभी मुझे हैरान कर रहा है और कभी परेशान। क्या मतलब? यकीन करो निम्रा, बॉबी ने आज तक किसी लड़की में इतना इंटरेस्ट शो नहीं किया। बस मेरी दुआ है कि दुआ उसके हक में कोई अच्छा फैसला करे। ये बात है, अल्लाह को जो मंजूर। बेशक मिस्टर जाब साहब, मेरे लिए ये सब सुनना बहुत हैरत अंगेज है और समझना उससे भी कहीं ज्यादा मुश्किल। मुझ में ऐसी कोई बात नहीं है, मैं एक बहुत आम सी लड़की हूँ। लेकिन दुआ, ये हम खुद के बारे में कह ही नहीं सकते। मैं कल तक अपने आप को बहुत बहुत खास समझता था, लेकिन आपकी नजरों ने मेरा सारा गुरूर तोड़ दिया। आप खुद को बेशक आम सी लड़की समझें, लेकिन मेरे दिल ने आपको खास मान लिया है। दैट्स इट। तो इस मसले का कोई हल तो निकालना होगा ना दुआ। मसला? आई डोंट। ये मसला ही तो है, मेरे दिल ने जिस लड़की को अपने लाइफ पार्टनर के तौर पे तस्लीम कर लिया, वो मुझे पॉजिटिव रिस्पांस देने को तैयार ही नहीं है। डू आई रिक्वेस्ट यू प्लीज रिकंसिडर योर डिसीजन।
मैं आपको बहुत खुश रखूंगा या दूसरे लफ्जों में कहने में आपके लिए बहुत कुछ करूंगा। I'm very sorry, Mr. Musajab. मैं आपको और आपकी खूबसूरत फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। मेरे लिए बहुत मुश्किल है कि मैं शादी के लिए आपको हाँ करूं। प्लीज मेरी माजरत कबूल कर लीजिए। प्लीज मैं आपको और आपकी खूबसूरत फीलिंग्स को हर्ट नहीं करना चाहती। मेरे लिए बहुत मुश्किल है मैं शादी के लिए आपको हाँ करूं। माजरत कबूल कर लीजिए। प्लीज एक बज रहा है, सोना नहीं है क्या? नींद नहीं आ रही मुझे, बस थोड़ी देर में जाऊंगी सोने। जब ने दावत में तुमसे मिलने की ख्वाहिश जाहिर की थी, क्या कह रहा था? नथिंग, बस इधर उधर की बातें कर रहा था। क्या छुपा रही हो? यार मुझे बहुत नींद आ रही है, कल सुबह बात करते हैं। इधर बैठो। क्या कह रहा था वो? जानना चाह रहा था कि मैंने उसका प्रपोजल क्यों रिजेक्ट किया। फिर क्या मैंने बता दिया कि मैं पाकिस्तान से दूर, अपने रिश्तों से दूर, किसी अजनबी देश में अपनी दुनिया नहीं बसा सकती। यार मैं दरिया के मीठे पानी की मछली हूं, समंदर में मेरा गुजारा नहीं हो सकता। सो गुड बाय। मेरे ख्याल में दुआ इज वेरी मच इंटरेस्टेड इन यू।
खासा मुतासर है तुमसे। तुम्हें कैसे पता? मोहतरम की निगाहें खूब तुम्हारे पर फोकस थी। हाँ, एक भाई होने के नाते मुझे बुरा तो लग रहा था, लेकिन एक ओपन माइंडेड होने के नाते मैं उसकी फीलिंग्स समझ सकता। मैंने सोचा कि क्या सोचा? मैंने सोचा कि पता नहीं क्या उसको नकटी चपटी बंदरिया में क्या है ऐसा जो उसको मुतासिर कर रहा है। पागल है क्या वो? बदतमीज। ओवर यार। नहीं वैसे वेरी वेरी ऑनेस्टली आई एम सेइंग, तुमको ना अपने डिसीजन को रिकंसीडर करने की बहुत शदीद जरूरत है। क्यों? क्योंकि दोबारा तुम्हें इतना अच्छा रिश्ता नहीं मिल सकता। दयान बदतमीज, मैं तुम्हें भी देखती हूँ। हेजिटेशन हो रही है, पर आई एम एक्चुअली इन लव विद यू। आओ बेटा। बेगम साहब, अब छोटे साहब अपने कमरे में नहीं है। भाभी कमरे में नहीं है? जी, मैंने काफी देर दरवाजा बजाया, दरवाजा भी लॉक नहीं था, अंदर जाके देखा तो साहब नहीं है। अच्छा, तुम जाके उसके लिए नाश्ता बनाओ दोबारा से। हाँ जी, ठीक है। मुश्किल है कि मैं शादी के लिए आपको हाँ करूं। प्लीज मेरी माजरत कबूल कर लीजिए। बॉबी, तुम ठीक हो? उफ़ मॉम,
हम अब तक कितनी वहमी है। वहमी नहीं हूं, माँ हूं। और जानती हूं कौन सी बात तुम्हें अंदर ही अंदर परेशान कर रही है। टेल मी व्हाट हैपेंड। I told her I'm in love with her. What? मैंने उसे कह दिया मैं उसे प्यार करता हूँ। You told her you love her. You? हाँ मैंने। उससे जवाब अहमद ने। ये सब कुछ सिर्फ आपकी वजह से हुआ है, सिर्फ आपकी वजह से। ना आप इतनी बड़ी पर्सनालिटी बनाती उसकी मेरे सामने कि मैं सिर्फ और सिर्फ उसके बारे में सोचता, ना मैं उसे यूं जाके मिलता और ना ये सिचुएशन आती। मां मुझे ऐसा लगता है मेरी आंखों की पुतलियों के ऊपर किसी ने उसका चेहरा स्केच कर दिया है। मैं जहां देखता हूँ मुझे सिर्फ वो नजर आती है। एक्चुअली आई डोंट। तुम तो कह रहे थे वो लड़की बिल्कुल बिलो एवरेज है, इस काबिल भी नहीं है कि तुम उसे दोबारा कंसिडर करो, और तुम्हें रत्ती बराबर परवाह नहीं है उसके इनकार की। झूठ बोल रहा था, अपना भरम रख रहा था, या शायद रखने की कोशिश कर रहा था। I can't get over her, mom. I just can't believe me. वो हर वक्त मेरी आंखों के सामने। तो तुम्हें क्या लगता है मेरा बेटा किसी के लिए इतना सीरियस होगा और मैं उसे जाने दूंगी? अब तो जो भी हो जाए निम्रा और सजाद भाई को इस रिश्ते पे मानना ही पड़ेगा। तुम फिक्र ना करो, उससे बात करने का कोई फायदा नहीं है। डोंट अंडरएस्टिमेट योर मदर। मैं दुआ से बात कर चुका हूं, शी रिफ्यूज्ड मी, रिजेक्टेड मी, नॉट ओनली माई प्रपोजल बट माई लव। मुझे आपने उससे मिला है ना, इस शादी के लिए उसको राजी भी आप ही करेंगे, चाहे कुछ भी हो। मैं ले लूंगी, शुक्रिया। मैंने आप लोगों की तरफ से इनकार को बहुत लाइट लिया था, क्योंकि मैं समझती हूँ हर इंसान को अपने मुतालिक फैसला करने का पूरा इख्तियार हासिल होना चाहिए, लेकिन मामला ये रुख इख्तियार कर लेगा इसका तो मुझे भी अंदाज़ा नहीं था। मैं कभी सोच भी नहीं सकती थी कि मेरा बेटा किसी जगह आकर इतनी बेबसी और इतनी आजजी का इजहार करेगा। मेरी आप दोनों से पुरजोर अपील है कि आप दुआ को समझाएं। मैं अपने बेटे की बेजा तारीफें नहीं करना चाहती, लेकिन उसमें ऐसी कोई कमी है ही नहीं कि कोई लड़की इस तरह इनकार करे। शकीला, मैंने तुम्हें सारी तफसील बताई थी। दुआ के इनकार की वाहिद वजह यह है कि वो शादी के बाद भी फैमिली से बहुत दूर नहीं हो सकती। मेरी बेटी ना और लड़कियों से जरा मुख्तलिफ है, उसकी जज्बाती वाबस्तगी में बहुत शिद्दत है। वो मुझसे, सजाद से, दाई से इतना टूटकर मोहब्बत करती है, सच पूछो हमें खुद डर लगता है हमसे दूर होकर कहीं वो बीमार ना हो जाए। तो क्या शादी नहीं करोगे उसकी? नहीं, तो क्यों नहीं करेंगे उसकी शादी? इंशाल्लाह बहुत धूमधाम से करेंगे अपनी दुआ बेटी की शादी।
लेकिन वहां करेंगे जहां उसकी रजामंदी शामिल हो। देखो, हम अपनी बेटी के खिलाफ नहीं जा सकते और ना ही हम कोई ऐसा फैसला करना चाहते हैं जो उसे नापसंद हो। बॉबी दुआ से शादी करना चाहता है और मैंने ये तय कर लिया कि ऐसा जरूर होगा। हम शादी के बाद दुआ को अमेरिका नहीं लेके जाएंगे, वो पाकिस्तान में ही रहेगी, अपने प्यारों के दरमियान, उनके करीब। भाई अब बताओ, अब इनकार की या एतराज की कोई गुंजाइश बाकी बचती है? शकीला, ये मुमकिन कैसे है कि दुआ यहाँ रहे पाकिस्तान में, मुस्तजाब अमेरिका में रहे? नहीं सजाद भाई, मुस्तजाब भी पाकिस्तान में आके रहेगा। हम इनफैक्ट पिछले एक साल से अपना बिजनेस यहाँ सेटअप कर रहे हैं। बॉबी दोनों जगह लुक आफ्टर करेगा, 4 महीने अमेरिका रहेगा तो 8 महीने यहाँ पाकिस्तान में। भाई हम माँ बेटा ने तो ये डिसाइड कर लिया है कि हमने हर हाल में दुआ को शादी के लिए रजामंद करना है, चाहे इसके लिए बॉबी को पाकिस्तानी क्यों ना आके रहना पड़े। अब बताएं, क्या दुआ भी इनकार करेगी? और भाई अगर अब उसने इनकार किया ना तो मैं उसका इनकार सुनूंगी नहीं, बहुत हो गई। कोई गैर तो नहीं हूँ, दूर की सही उसकी खाला हूँ। अच्छा ठीक है, तुम कुछ ट्राई तो करो। तुम हाँ कर दो ना, फिर मैं सब कुछ ट्राई करती हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या पढ़ के फूका है तुमने मेरे बेटे पे? उसे तुम्हारे सिवा कोई सूझ ही नहीं रहा। जी? तुम्हें बॉबी की दुल्हन बनाना मेरे दिल की ख्वाहिश थी, लेकिन मुझे क्या पता था मेरी ये ख्वाहिश बॉबी के पूरे वजूद को इस तरह जकड़ लेगी। पता है कितना सीरियस हो गया वो तुम्हारे लिए, कुछ भी करने को तैयार है। दुआ, मैंने निम्रा सजाद से बात कर ली है, अब इस मामले का फैसला तुम पे मुनसर। प्लीज इनकार ना करना, कुछ सब। सोच भी नहीं सकता था मॉम कभी ऐसा दिन आएगा जब मुझे शादी करनी होगी तो उस लड़की को मुझे खुद प्रपोज करना होगा, उसके बाद मुझे मनाना भी पड़ेगा। मां, मैं तो गया काम से। हैरत तो मुझे भी बहुत हो रही, देखिए मैं खुश भी बहुत हूँ। बॉबी, जो चीज़ आसानी से हाथ आ जाए इंसान को उसकी कोई कदर नहीं रहती, और मैं चाहती हूँ तुम अपनी लाइफ पार्टनर की कदर करो। वो ऐसे क्या है उसमें, ऐसा क्या है उसमें, उसकी थॉट्स, उसका ख्याल, मुझे constantly engaged रखता है। उसका आइडिया, उसका ख्याल मुझे एक मैग्नेट की तरह जोड़ रहा है, और मैं नहीं चाहता वो मना करे। और उसके घर वाले उसको राजी करें मुझसे शादी के लिए। मैं चाहता हूँ वो मेरी आंखों में देखे और खुद मुझसे कहे। Don't.
चाहता हूँ कि वो खुद मुझसे कहे कि वो मेरे जज्बात की कदर करती है और उसके पास मेरे लिए फीलिंग्स है, अप्रिसिएशन है। किससे फोन कर रहे हो? ताई को। ताई को क्यों? क्योंकि वो उसकी कोई बात मना नहीं करती। मैं देखता हूँ ये बात इनकार करती है कि नहीं। कौन सी बात? उसको डिनर पे लेके जाऊंगा। वो लड़की तुम्हारे को ज्यादा ही नखरे नहीं हो गए हैं? हाँ चुप हो जाओ तुम। अब्बा इसको बोले चुप कर, इतनी देर से उन्हीं लोगों की तरफदारी किए जा रहे हैं। यार दाई चुप हो जाना यार थोड़ी देर के लिए। ओके चुप हो गया मैं, बोलो अब तुम। अब तुम कुछ बोलो भाई। क्या मैं दुनिया में आखिरी लड़की हूँ? यह घड़ी पर लगा कोई हिंसा जिस पर मोहतरम की सुई अटक गई है। वाह 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 क्या बात है भाई। हर साल डिबेट कंपटीशन में फर्स्ट रन का कोई तो फायदा होना चाहिए। क्या जबान चलती है तुम्हारी यार। तुम फिर बोले। सच्चा देखो बेटा आखिरी फैसला तुम्हारा ही होगा ठीक है, लेकिन लेकिन क्या? लेकिन ये कि अब उन लोगों की बात में वजन भी है और दलील भी है। तुम्हें जिन जिन बातों पर एतराज था ना दुआ, वो तमाम मसाइल उन्होंने हल कर दिए। मुस्तजाब तुम्हारी खातिर पाकिस्तान सेटल होने को तैयार है। शकीला कह रही थी कि वो हमारे घर के पास अपना नया बंगला बनाएंगी ताकि तुम हमसे आसानी से मिल सको। अब तुम ही बताओ ना किस वजह से इनकार करें हम। एक मिनट एक मिनट एक मिनट, ये आखिरी बात मुझे कुछ समझ में नहीं आई और ना ही मुझे कबूल है। ये क्या बात हुई कि अपना बंगला हमारे घर के करीब बनाएंगी? मतलब इसकी शादी के बाद हमारी जान इससे फिर भी नहीं छूटेगी? ये नहीं हो सकता यार। दयान अभी अच्छा, रुको मैं तुम्हें बता। सॉरी सॉरी दयान आप क्या कहते हैं? मैं तो दिलो जान से तैयार हूं इस रिश्ते के लिए। देखो ना कोई आदमी इस तरह से अपना दामन फैलाए कि दूसरे के सर पे साया भी करते तो फिर इनकार करना जो है ना वो नाकदरी है। बात तो दुरुस्त है आपकी, परल तुम एक रस्मी सी तौर पे पूछ के देख लो फिर हाँ कर दो और क्या। वैसे ये तसव्वुर भी किस कदर मुश्किल है ना सच्चा। जी हाँ दुनिया का पुलिसरात इसीलिए तो कहते हैं इसको, जिसपे से हर बेटी और हर बेटी के माँ बाप को गुजरना ही होता बिलाख। डोंट वरी। वो क्या है? यार अम्मा अब्बा ज़हनी और दिली तौर पर कायल हो चुके हैं, तुमसे सिर्फ रस्मन जवाब मांग रहे हैं। क्या मसला है तुम्हारा? तुम लोग को इतनी जल्दी क्या है? अभी मेरा मास्टर्स भी बाकी है, पूरे एक सेमेस्टर रहता है यानी 6 महीने। जल्दी हमें नहीं है, वो मुस्तजाब और बॉबी को है। मोहब्बत हो गई है उसको तुमसे बंदरिया। वैसे सुनो एक बात है, सेमेस्टर तो होते ही रहेंगे, उस पे नहीं तो मुझ पे ही दर्श खा लो। अरे यार मतलब तुम रखते सफर बांधोगी तभी तो मुझ मिस्कीन की बारी आएगी। अच्छा तो ये बात है। और प्लीज अब ये मुझसे बहस वहस ना करो, वो आता ही होगा। क्या मतलब? मुस्तजाब वो तुम्हें लेने आ रहा है। मुझे लेने? Are you serious? Yes, 110%. अरे यार अम्मा अब्बा ने खुद मुस्तजाब की रिक्वेस्ट पर उसको इजाजत दी है कि वो तुम्हें खाने पे लेके जा सकता है। और वैसे भी दुआ अम्मा अब्बा को उस पे भी भरोसा है और तुम पे भी पूरा यकीन है। मैं तुम्हें इसीलिए लाया था टेरेस के ऊपर, अम्मा ने कहा था कि इन्फॉर्म कर दो।
साथ बाहर आने पीना खुश है। नहीं, आप ऐसे क्यों कह रहे हैं? क्योंकि आप नाखुश लग रही हैं। बिल्कुल खामोश और संजीदा। मैं खुश नहीं हूं इसलिए नाखुश लग रही हूं। क्या मतलब? मतलब ये कि कभी कभी इंसान उस स्टेट ऑफ माइंड में होता है कि नाखुश नहीं होता मगर खुश भी नहीं होता। जैसे क्लास में हम कोई टॉपिक समझने की कोशिश कर रहे होते हैं, उसी तरह कभी कभी अपनी फीलिंग्स को भी समझने की कोशिश कर रहे होते हैं। ऐसे ही खामोश रहना ठीक होता है और संजीदा भी। कहाँ जाना पसंद करेंगे आप? आपकी मर्जी। ऐसा कैसे हो सकता है? हम लंच पे पहली दफा बाहर आए हैं और आप पसंद ना करें, डिसाइड तो आप ही करेंगे। आप मेरी पसंद की जगह पर खाना खाना पसंद करेंगे? Of course, why not? हाँ प्लीज इधर है। प्लीज बैठे। या नहीं, ये तो नहीं जानती कि आपको किस तरह का खाना खाना पसंद है, लेकिन मुझे यहाँ की दाल और चिकन कढ़ाई बहुत ज्यादा पसंद है, और उसके बाद तंदूरी चाय तो उफ कमाल की होती है। वाह, व्हाटएवर, I mean, whatever makes you happy. I'm glad at least classrooms are the bad aisle. Ji. Matlab, hum jab thodi der pehle drive kar rahe the, aap ek classroom mein thi. Kafi sanjeeda aur serious. So if not my presence, Ms. Dhabi ki presence ne aapko happy to kiya. Excuse me. Ji saab. So, what did you like? Ek chicken kadhai kar de, ek daal. आप मुझे डिनर पे क्यों लाए? मामा आपके घर पर हैं फाइनल बात करने के लिए, और आपके पेरेंट्स का दिल राजी है। मैं चाहता था कि आपका रिएक्शन देख लूं। मैंने आपको बताया था मैं अमेरिका नहीं जाना चाहती, इसलिए इनकार कर रही हूं। लेकिन हम आप जान चुके हैं कि मामा ने आपके इनकार की वजह खत्म कर दिया। अगर हमारी शादी होती है तो आप पाकिस्तान में ही रहेंगे। आपको अमेरिका जाना नहीं होगा। पेरेंट्स को बता दिया है वो जो फैसला करना चाहते हैं कर सकते हैं,
Well, but ये फैसला दिल का भी होता है थोड़ा, जैसे मेरे दिल ने फैसला किया था आपको देख के। आप क्या चाहते हैं, मैं आपसे सारे मोहब्बत करूं? Well, सारे मोहब्बत नहीं, सारे पसंदीद की तो कर सकती हैं। कर सकती हूं, अगर क्लासरूम में बैठी इस लड़की को अपनी फीलिंग्स की मुकम्मल तौर पर समझ आ जाए तो मैं पसंद के मामले में जल्दबाजी के कायल नहीं हूं, ना ही इजहार के मामले में। आपको खाना अच्छा नहीं लगा? No, it's actually really nice, but it's just really hot, spicy. Really? Yes. आपको तो पूरा खत्म करना है अभी। Whoa, sorry. तो मैं जानता हूँ मैं बहुत खुद पसंद हूँ, मैं egoistic भी हूँ और डोमिनेंट भी हूँ, और ये सब कुछ मेरी पर्सनालिटी की डार्क साइड है। लेकिन अगर एक दफ़ा मैं किसी से खुल से रिश्ता छोड़ लूँ तो मैं आखिरी सांस तक उसे निभाने की कोशिश करता हूँ। ये खाना तुम्हें पसंद है? ये खाना आज से मुझे भी पसंद है। कुछ और ऑर्डर करो। वैसे अब हम एंगेजमेंट के बाद ही मिलेंगे। सोचा था जो हम कर रहे हैं वो ठीक कर रहे हैं। बता दे उनको जाके कि ज्यादा धौंस जमाने की जरूरत नहीं है। कब तक सुनूंगा? फैसला नहीं बदल रहे, चाहे वो फिर जितनी भी जिद कर ले। तुम खामखा देशों का शिकार हो रहे हो, ना हमारी नीयत में खराबी है ना ही बेईमानी है। ऐसे में हमने उनसे थोड़ा सा झूठ बोल दिया तो कोई बात